हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसी वर्मा चैप्टर 29 ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट, इट्स वेट रिमेंस प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, मेन इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बॉडी को आप रब करते हैं तो क्या होता है, रब करने के बाद बॉडी चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने के बाद बॉडी का वेट जो है क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये इसी को हमें बताना है। स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि जब भी किसी बॉडी को आप रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर बात है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो उस बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा जिससे आप उसे रब कर रहे हैं, या फिर उस दूसरे बॉडी से जिसे आप रब कर रहे हैं जिस बॉडी को, उसमें ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर बात है। मतलब सपोज कीजिए कि इनिशियली बॉडी जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था नेचुरल पोजीशन में, तो मान लेते हैं इसका मास जो था वो m था, मास m था, तो इसका वेट कितना होगा, mg। चलिए ठीक है, अब जब आप इसे रब कर देते हैं, तो दो सिचुएशन, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बॉडी या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाए या पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। मतलब कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, तो बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, आप समझ सकते हैं थ्योरी की बातें हैं। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लियर है। या फिर दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ही इसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हो जाए, क्लियर है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसका पूछ रहा है कि इसका वेट में क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन या तो इससे निकले या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, इसका मास तो अफेक्टेड होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, क्योंकि ये जो चार्ज हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, दिस इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है। हाँ, ये अलग बात है, आप ध्यान देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, दिस इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। मतलब आप इसको इस तरह से नीचे में जब ये ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10⁻³¹ kg, मतलब 9.1 से डिवाइड हो रहा है 10⁻³¹, इस चीज से डिवाइड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना कम होगा, 9.1 में जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 0.91, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.091, 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻² से डिवाइड कर रहे तो देखिए इसका वैल्यू इतना हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मतलब मास, कहने का मतलब है कि बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है, इट हैज सर्टेन वैल्यू। क्लियर बात है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, तो इसका मास जो है स्टूडेंट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना मास इसका घट गया, इसका मास जो है इतना घट गया। ऑब्वियस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा मास घटेगा। क्लियर है, मास जब डिक्रीज करेगा तो इसका वेट W=mg ये भी डिक्रीज करेगा, आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इसका मास क्या होगा, जब ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, मतलब इसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, मास बढ़ेगा मतलब इसका वेट बढ़ेगा। क्लियर बात है। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज हुआ या नेगेटिवली, सीधे भाई इसको हम रब करके चार्ज किए हैं तो इसका वेट क्या हुआ, तो वेट इसका घट भी सकता है, वेट इसका बढ़ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस आंसर इज मैं इंक्रीज रहती और मैं डिक्रीज रहती, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।